हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम बनाएंगे मसालेदार टेस्टी सब्जी। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए, अदरक, भुनी मूंगफली, सहा जीरा, हरी इलायची, साबुत धनिया, जावित्री फूल, कड़ी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च, गीला नारियल, आप सूखा भी ले सकते हो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी। मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी के जार में सभी डाल देंगे, इसे बारीक पेस्ट बना लेंगे। अभी जार में डालेंगे 2 टमाटर 2 प्याज। यहाँ पैन में डालेंगे तेल, तेल में डालेंगे थोड़ी हल्दी, पैन में डालेंगे बॉईल किए हुए अंडे, पैन में डालेंगे भुना जीरा पाउडर थोड़ा, अंडों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे तेल में। पैन को रखते हैं दूसरी साइड। यहाँ रखते हैं हम कढ़ाई सब्जी के लिए, तेल, इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे 10 मिनट के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स बनाएंगे, एक साथ मसाला पीस कर तो झटपट बन जाता है हमारा अंडा कढ़ी। मसाला भून चुका है, मसालों ने तेल छोड़ दिया। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, सूखे मसाले डालेंगे सभी। सूखे मसाले डालने के बाद और 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे इसे। मसाले में डालेंगे गरम पानी, इसी पैन में गरम करने के लिए रख दिया था। ग्रेवी को थोड़ा उबलने देंगे 5 मिनट के लिए। आप इस तरह से अंडा कढ़ी खाने का मन करे कभी फ्रेंड्स, आपको आप इस तरह से झटपट बना सकते हो। अभी इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे, अभी इसे ढककर रखेंगे 5 मिनट के लिए। रेडी है हमारी अंडा कढ़ी, चलिए इसे प्लेट में निकालते हैं। रेडी है हमारी अंडा कढ़ी, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।